brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. पवन सिंह के एंट्री के बाद काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई थी। समर्थकों के बीच पवन मुखर रहे थे और विपक्ष की आंखों में गड़ रहे थे, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी आखिरकार वही हुआ। पर इस पर पवन सिंह ने क्या जवाब दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं आपके साथ मायरा गौर। बीजेपी ने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अभिनेता पवन सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह की ओर से पहली बार कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया एक्स पर पवन सिंह ने पोस्ट कर शेयर कर लिखा, अपना कर्तव्य हम निभाएंगे, काराकाट को नया बनाएंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद पवन ने एक और ट्वीट किया और लिखा, कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था, कृष्ण और पांडव के होते हुए चक्रव्यूह में घेर कर राक्षसों ने मारा था, आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है लेकिन जनता उसके साथ है। पवन सिंह के इन बयानों से साफ पता चलता है पवन ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है, पर पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। बता दें, बुधवार 22 मई को बीजेपी की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि पवन सिंह को पार्टी से फैसले के खिलाफ जाकर काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे, इसलिए तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्कासित किया जाता है और निलंबित कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पवन का काम दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो गई है तथा पार्टी अनुशासन के विरुद्ध अपने ये कार्य से पार्टी काफी नाराज है। अतः आपके दल विरोधी इस कार्य के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार पार्टी से पवन सिंह को निलंबित किया जाता है। जाहिर है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा ने पवन सिंह को टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहे आर के सिंह सहित भाजपा के कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना की। बता दें, आखिरी और सातवें चरण में काराकाट लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। अब देखना होगा कि सबसे लड़कर अकेले मैदान में खड़े हुए पवन सिंह बागी प्रत्याशियों को मात देकर काराकाट के किंग बन पाएंगे या नहीं, ये तो जल्द पता चल जाएगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।